ये बेचारे जो पानी में चीज नजर आएगी ये उसके पीछे भागना शुरू कर देंगे। नहीं यार ये बहुत अच्छा है, देख मेरा दोस्त बन गया मेरे, लगता है ऐसा। मेहरान साहब ने हाथ में उठा लिया वो उसकी घड़ी खाने के चक्करों में। ओ भाई तुझे कहने कह रहे हो कुछ और नहीं सुनते, ये ले मेरा नाक का काले काले, नहीं नहीं काले, कह रहे उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन है, मैंने क्या था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हलीम और आप देख रहे हैं बड़ी गैलेक्सी ऑफिशियल। हम आ गए हैं अपनी ऊपर एवेरी में, जो छोटा सा हमने मिनी ज़ू बनाया है उसके अंदर आ गए हैं। और पहले पानी का लेवल देखते हैं, पानी का कम तो नहीं हुआ क्योंकि गर्मी है, जारी पता पानी उड़ जाता है। और फिर हम देख जाते हैं अपने बतख के बच्चों की तरफ, उनको देखते हैं, और उसके बाद जो हमने बटेरे छोड़े थे उनको देखते हैं, क्योंकि सारी बात है हमने फ़र्स्ट टाइम था, अब पता नहीं है बटेरे का क्या हालात हैं, तो उनको भी चेक करेंगे एंड उस दूसरे को भी चेक करेंगे। और ये हमने बतख के बच्चे को यहाँ बंद किया हुआ था। हेलो। और ये बाहर आने के लिए कितना ज़्यादा जो है वो मचल रहे हैं, देखें ज़रा इनको, बड़ा दरवाजा खोल ले, बड़ा दरवाजा खोल ले, आजो आजो। अच्छा पानी मांग रहे हैं, अच्छा ये पानी मांग रहे हैं, अच्छा इनको ज़्यादा गहरे पानी में नहीं छोड़ना, ठीक है। अभी हमने इनको छोड़ दिया इस वाले पानी में, अभी थोड़ा थोड़ा पानी है तो इनके लिए यही पानी जो है वो काफ़ी है, बड़े पानी में ना जाएं तो बेहतर है। वहाँ पे हाथ रखी, वहाँ पे खड़ा हो जाए, बल्कि वहाँ पे ना जाएंगे। और ये ना बड़े प्यारे क्यूट से हैं, ये सात साल में ये रोड़ी फेंकी जा रही है। ये बेचारे जो पानी में चीज नजर आएगी ये उसके पीछे भागना शुरू कर देंगे। वो बेचारा तो पानी पीने शुरू हो गया था, अगर बहुत प्यासा था बेचारा। हाँ जी मेहरान, क्या सीन है यार, ये बतख जो है ना बहुत पानी पी रहे हैं, अपना पानी का डब्बा वो भी खाली किया हुआ है, बिल्कुल ही पानी नहीं, नीचे वाले में थे वो भी सूखे यार, खाली है दोनों, गर्मी है ना, गर्मी पानी ज्यादा पीते हैं, इसमें था केस में था पानी, इसी में बीच वाले में, इसी में ये देख यार बिल्कुल खाली है, हां पानी ज़्यादा पीते हैं। और माशाल्लाह हमारे बटेरे भी सही घूम रहे हैं बेचारे, गर्मी लगी हुई है उनको, उनकी ने तुमने फीड नहीं बुलाए, फीड ला लेकर आओ ना, ये फीड खाते हैं क्योंकि कल उसने फीड ही खाई है यहाँ बैठ के, फीड लेके आते हैं, फीड लिया उनके लिए, हाँ ना फीड बना के लिया उसके लिए, वो देख बेचारे किस तरह भाग रहे हैं। अच्छा यार मुझे बड़े बड़े लग रहे हैं यार, अच्छा इन लोगों ने बहुत खाया, इसने बहुत खाया, देख इसकी आगे वो ये पानी भी पिया बड़ा ना, मेल कौन सा फीमेल कौन सा ये नहीं पता, हमें मेल कौन सा फीमेल कौन सा, अभी छोटे इसमें पता नहीं चलेगा, लेकिन है बड़े ही क्यूट यार, एक वाइट है और एक ब्लैक है। मेहरान उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं क्या करता है। यार ये तो पकड़ नहीं देता, वो ये तोड़ रहे हैं। हां तोड़ते हैं ना वो, यार ये कल नहीं उड़ रहे थे तो बस आज आदि हो गए ना, जगह को पहचान लिया उन्होंने, कैसे उड़ रहे हैं यार, इसको पकड़ता हूं चल यार, ये बहुत एक काम कर, वो रोटी लेके आ, रोटी डाल यहां पे, ये ना बहुत शरीफ है, बहुत आराम से हाथ में आ गया यार, और ये सबसे देर रात को दिखाई दे ना, एक मिनट देखते इस तरह उड़ते है कि नहीं। नहीं यार ये बहुत अच्छा है, देख मेरा दोस्त बन गया मेरे, लगता है ऐसा। अच्छा जी ये तो डक को हमने इस पानी में थोड़े देर के लिए छोड़ा था और फिर अब उधर नीचे छोड़ दिया, वो अपने आप को सुखाने में लगे हुए, और मैं जा रहा हूँ इनके लिए फीड लेके आ रहा हूँ, ये जो बटेर हम लेके आए थे इनके लिए अब जाके फीड लेके आता हूँ, और मुर्गों को भी देखता हूँ कि उनका क्या हाल है, उसको मैंने पिंजरे के बाहर छोड़ दिया था, तो चले ये इस मिट्टी में अब खूब आराम से अपनी खुराक भी खाएंगे, इधर खेलेंगे भी। चलो मैं जाके वो बटेरों का जो है फीड लेके आ रहा हूँ, उन्होंने सारा फीड अपना ख़त्म किया हुआ है, कि रात में शायद बहुत ज़्यादा भूखे थे, इधर उनका फीड पड़ा है तो मैं लेके जा रहा हूँ, ये उनका फीड है, ये अभी जाके उनको डालता हूँ। अच्छा जी तो अब मैं इनको फीड डाल रहा हूँ, किधर पे, हाँ यहाँ पे खून, किस किस चीज़ का, दोनों
हाँ यार ये ठीक है यार, बटेर को भी देखना पड़ता है क्या, ये किधर बैठा हुआ है, इसका मरा है कि क्या सीन है यार, उन्हें ये तो जिंदा है यार, क्या हुआ, किसको हुआ होगा यार, यार फाख्ता बेचारी उधर कोने पे बैठे, शायद उसी का ये यार, देखना पड़ेगा उसके, अगर बहुत ज्यादा जख्मी हो तो उसकी वो बैंडेज वगैरह करा देते हैं यार। रोटी हाँ यार वही लग रही है। अच्छा मुझे ये मुझे इन्होंने मारा होगा ना उसे, इन्होंने मारा होगा बटेरों ने, क्योंकि ये उधर ही उसकी तरफ ही जा रहे। ओ भाई इधर हो जाओ, हाँ ये उसी को मार रहे यार, ये बटेरे बटेरों का काम है ये वाला। ये ले भाई, ये ले गए बटेरे, उसको जाओ बोल। ये मेरे पीछे आ रहे हैं, ये मेरे पांव को खा रहे, ये देख उसको दरवाजा खोल पहले। अच्छा अब मैंने मेहरान को भेजा जी अपने बटेरों के लिए खाना बनाने के लिए, क्योंकि ये बेचारे जो हैं सुबह से भूखे हैं, इनको खाना नहीं दिया, वहाँ पे इनका घर बन रहा है, इनका घर जो बनेगा वहाँ पे जाहिर बात है अब इनको थोड़ा आदि करना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ करेंगे ताकि ये अपनी जगह पर जाकर जो है बैठा करें। मेहरान ने फीड बना के रख दी है बटेरों के लिए, बटेरे बेचारे वो घूम रहे और, लेकिन फिलहाल तो यहाँ बतख के बच्चे आए हुए फीड के पास, खा नहीं रहे लेकिन फिर भी आए हुए पास पास, ये पीछे पीछे ही घूमते रहते हैं, और वहाँ पे वो मेहरान उनको खिला रहे हैं, मैं जाके देखता हूँ क्या कर रहा है। क्या सीन है मेहरान, डरा दिया आप लोग, ले भाग गए, मुझे अपना चेहरा दिखा, तुम डरो नहीं, कार्टून तो नहीं हो, नहीं वो बेचारे को देख के भाग गया, आ गए वापस आ गए, मेरे हाथ से इतने जबरदस्त मजे से कार दे ले, ये देख मुझसे नहीं डरे, मेरे हाथ से दिखा, लेकिन आपको देख के फिर भाग जाते, बस क्या करूं यार, चलो यार इधर रख देता हूँ, ये खुदा के खा लेंगे तुम। ये तो पूरा चमचा है, उसमें तो कुछ भी आ सकता है यार, क्या पता चलता तुमने क्या क्या उठा लिया, बस उनकी मर्जी है, जो उनका दिल करता है खाने दो। इनको बीमार ना हो जाए ना, पत्थर खा लेगा, नहीं होते बीमार ऐसा ना कि गुर्दे ऐसे है, माशाल्लाह बहुत प्यारे, माशाल्लाह बहुत प्यारे ये, आ जा ये इधर आके बैठो, ये तुम्हारे पीछे आएंगे, इधर आके बैठो, हाँ इधर आके बैठो, थोड़ा आ जाओ आएंगे आएंगे आएंगे, देख रहे हैं, आ जाओ देखिए, ये डक्की भाई हैं, हाँ ये डक्की भाई, यार इसका नाम भी हम रखते हैं यार डक्की भाई, सही है इसका नाम, नहीं दोनों का एक है, ब्लैक का भी, नहीं इसमें यार काले वाले का नाम डक्की भाई है, आगे डक्की भाई आगे, इसको नाम पसंद आया, अच्छा वो कह रहे मुझे भी, डक्की भाई पीछे पीछे घूमते रहते हैं, वैसे एक काम करते हैं, इनका नाम व्यूअर्स पे छोड़ लेते हैं, कमेंट में वो बताएंगे कि इनका नाम क्या रखे यार, चलो ठीक है, चलो व्यूअर्स ये बता देंगे कि इसका नाम, कमेंट में बताएं कि इसका नाम क्या रखना है, काले वाले का भी और ये येलो वाले का, काले वाले का वाले। और वहाँ पे हमने बनाना शुरू कर दिए बटेरों के लिए घर, क्योंकि ऐसे ओपनली तो रहेंगे नहीं, इनकी हमने घर बना दिया ताकि ये घरों के अंदर रहें, अब यहाँ पे घर बना रहा है शहजाद, साथ साथ मैं आपको भी दिखाता हूँ कि यार कैसे बन रहा है। मेहरान साहब ने जो फीड डाली थी आलमोस्ट उन्होंने सारी ख़त्म कर ली है, अब वो इस साइड पर आ गए हैं और बतख के बचे हैं। मेहरान यार क्या बना के डाला था इनको, तुझे क्यों बोल रहे हो यार, तुझे तो बनाना ही नहीं है, अगर तुझे पता चल भी है फिर भी तो फीड मुझे ही बनाना है, तो तू क्यों पूछ रहे यार ये, हाँ अगर व्यूअर्स पूछ रहे तो फिर उनको मैं बता दूंगा कि इसको क्या खिलाना है, लेकिन तुझे नहीं बता रहा, तू है ही काम चोर, तू अपना खाना खुद नहीं तैयार करता तो इसका क्यों पूछ रहे हो यार। मेहरान साहब ने मुझे तो नहीं बताया और बड़ी अच्छी मेरी बेइज्जती भी कर दी है कि यार अपना खाना खुद नहीं बनाता है, और चलें किसी को पूछना हो तो कमेंट में पूछ लिए तो फिर मैं ऐसे पूछ के बता दूंगा आप लोगों को, वैसे ही बताता नहीं है, देखते हैं क्या कर रहे हैं, मुर्गी जो है वो आपस में लड़ने के लिए जो है रेडी बैठे हुए, एक दूसरे के पंजे मार दिए अपने एक दूसरे पे। बाजरा किसने रखा है यार यहाँ पे, यार ये बरकत हमने फिंचेस के लिए, लेकिन वो खाते नहीं है, कब का दो हफ्ते हो गए इस तरह पड़ा है, तो फिंचेस तो बाजरा नहीं खाती शौक से, क्यों वो क्या खाते थे, फिंचेस के लिए आप लेके आएंगे बारीक वाली कंगनी, अच्छा और वो लाके डालेंगे इन्हें, हाँ।
तो वो ये शौक से खाएंगी, ये तो नहीं खाती इतने शौक से ये। हाँ यार, फिर वो नहीं कहते, लेकिन फिंचेस और बर्ड का मुझे पता ही नहीं है ना कि वो खाते क्या है। मुझे तो ज्यादातर मुर्गे वगैरह जो जमीन पे ज्यादातर कुछ रहने वाले जानवर हैं उनको उसकी चीज के बारे में। चलो ठीक है, इसको चेंज करते हैं, इनकी कंगनी लेकर आते हैं वो डालते हैं। कंफर्म पता है कि वो हाँ ये कंगनी खाती है, ये नहीं खाती है। कंगनी हो गई और वो हो गई जो हो गई, इस तरह की चीजें खाती है, चावल हो गई, ये फिंचेस जो है वो इस तरह की चीजें खाती है, ये चीजें नहीं खाती है। यार उनके लिए वो लेके आते हैं, तभी तो मैं कह रहा हूँ यार कि एक हफ्ते से ज्यादा हो गए इसके इधर ऐसा कैसे ही पड़ा है। अब वो देखो कितने मजे से लगे हुए हैं। हाँ अब उसको मुझे पता है कि ये खाते हैं, उसके लिए मैंने मिक्स बना दिया, कब से लगे हुए इसको खाने में। शहजाद साहब का अपडेट लेते हैं, इसने कहाँ तक मुकम्मल किया है। अच्छा छत वगैरह डालना शुरू कर दिया है इसने, अब अच्छा छोटा सा केव सा बन जाएगा ना, तो ये इसके अंदर ही जाके रहें। मेहरान तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं दोनों, क्या सीन है, डरते मरते नहीं है? नहीं यार बिल्कुल नहीं डर, मैं इधर काम करूँ, डर डर जो भी रहे कुछ फर्क इनको नहीं पड़ता। शहजाद साहब काम कर रहे हैं और शहजाद साहब को तंग करने के लिए ये दोनों पहुंचे हुए हैं। शहजाद साहब मिट्टी में लगे हुए हैं और ये दोनों जो है उसके जो मिट्टी वाला पानी वाला बर्तन है उसके अंदर लगे हुए खाना खाने में, पता नहीं क्या खाते रहते हैं, पानी के साथ लगे रहते हैं बस ये दोनों। हाँ ये बेचारे जो है घुसे जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं ऑलमोस्ट उसके पाँव के पीछे पहुँच गए। मैं थोड़ा इनको पीछे कर दूँ। आजा भाई 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 आजा 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 उधर जा, चल 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 उधर 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 उधर। इनको मैंने बाहर निकाल दिया, वहाँ से तंग किया हुआ था इन्होंने, घुसे जा रहे थे उसके अंदर। इनको मैंने वापस उठा के जो है उसके अंदर डाल दिया, जो हमारी छोटी सी स्टीम सी बनी है, नदी सी बनी है, उसके अंदर डाल दिया ताकि शहजाद को तंग ना करें, क्योंकि वहाँ ये जा रहे हैं उसके पाँव में आ रहे हैं, तो अब ये यहाँ पर खेलते रहें। बस वहाँ से मैंने हटा दिया इनको। और ये शहजाद साहब ने ऑलमोस्ट काम कंप्लीट कर लिया है, घर बना दिए। अच्छा इनमें बहुत ज़्यादा अंदर मिट्टी बड़ी है, थोड़ी थोड़ी हमें निकालनी पड़ेगी, सही है। अंदर ये ना भूसा मूसा डाल देंगे ताकि ये अंदर आराम से रहें। घर बना दिए हमने उनके और अच्छे प्यारे घर बनाए, क्योंकि मिट्टी का असली ऐसा ही बनाया ना, क्योंकि सर्दी गर्मी ये ठीक रहता है। अभी हम कोई लकड़ी का बनाते अभी हम कोई लकड़ी छकड़ी का बनाते ना, तो वो हमारे लिए भी अच्छा नहीं होता और इनके लिए भी अच्छा नहीं होता। ऊपर फिंचेस की लड़ाई होगी नाज़रीन, शोर मचा रही हैं फिंचेस, कोई और बैठ के घर के ऊपर तो फिंचेस की लड़ाई शुरू हो गई थी। अच्छा वो जो फाख्ता बैठी है ना कॉर्नर में, उसको भी कुछ ना कुछ करते हैं, या तो केज में डालते हैं उसको, क्योंकि अब ये बाहर जो हैं बटेरे घूम रहे हैं और मुझे लग रहा है कि उसकी लाइफ जो है वो रिस्क में हो गई है, क्योंकि बटेरे लड़ते हैं। कबूतर लेके आएंगे ना, उसको कबूतर के साथ पकड़ देंगे। यार वो उड़ नहीं सकती ना, मसला ये कबूतर मारेंगे तो नहीं, इसको मारेंगे नहीं, लेकिन वो उड़ नहीं सकती। उड़ेगी नहीं तो वो फिर ज़मीन पे बैठी रहेगी। इस वाली केज में हमने इसलिए छोड़ा हुआ कि ज़मीन वाला सिस्टम इसमें बराबर है। आज जितना काम हो गया था बस हो गया है, क्योंकि आज ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया हमने इसको। और इनको फिर मैरान इनको बंद करना आके, ठीक है। और ये जो है बटेरे भी बाहर निकल आए हैं अपने खाना पीने के लिए, थोड़ी सी लाइट ऑन करते हैं, तो चलते हैं मैरान की तरफ और देखते हैं मैरान क्या कर रहा है। मैरान क्या सीन है, क्या हो रहा है? यार ये फीड बना रहे, क्योंकि अंधेरा हो रहा है ना, इनको बस बंद करना है। यार ये तुम रोज़ाना फीड बनाते रहते हो, एक ही बारी में बनाओ ना ज़्यादा। यार असल में ये फीड जो है ना ये बहुत गर्म होती है, अगर इसको मैं एक बार में बना लूँ सारी तो मेरी तो टेंशन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये कि थोड़ी मेहनत इसको करना पड़ता है, लेकिन ये हब्स बन जाती है तो फिर ये लोग ख़राब होते खाते नहीं है, फिर ना गर्मी है। अच्छा रेगुलर बेस में न्यू बनेगी, तो इसके लिए इसलिए मैं फ्रेश बना रहा ना न्यू। सही हो गया, बता के बच्चों को मैं बंद करने लगा हूँ, क्योंकि बस अब रात का टाइम होने वाला है, तो ये अपने घर के अंदर ही रहे। अब ये मैंने इनको अपने घर में डाल दिया ताकि ये यहाँ पर रहें आराम से, और ये मैंने इनको कर दिया बंद। पानी इसके लिए डाल देता हूँ, बाकी दाना इसके ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर आपसे कल। अच्छा तो बस ये थी आज की एपिसोड। आज के एपिसोड में हमने जो नए बतख के बच्चे लाए हैं वो भी दिखाए, शेयर किए आपसे कि ये क्या क्या करते रहते हैं सारा टाइम वो, और जो बटेरे हैं उनके लिए नया घर बनाया, क्योंकि बटेरे घर में ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि ऐसे ओपनली सही रहेंगे नहीं,
क्योंकि फिर वो ज़ाहरी बात है नीचे और भी चीज़ें घूम रही होती हैं, मतलब बतख के बच्चे हो गए या वो फाख्ता जो बेचारी उड़ नहीं सकती वो भी उनसे घूम रही होती है, तो वो उसको मारते हैं, ज़ख्मी कर देंगे, तो इसलिए हमने उनके लिए घर बना दिए कि वो अपने घर के अंदर रहें। बाकी इंशाल्लाह कल की जो अपडेट्स होंगी वो मैं इंशाल्लाह कल शेयर करता हूँ आपके साथ, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।